Alright, so hey guys, welcome back to my YouTube channel. It's your boy Viru Samra. So guys, आज हम आए हैं सौरपोध because of आज यहाँ पे पूजा है. आज यहाँ पे शर्मंडल पूजा है. शर्मंडल means आज हम farmers लोग, orchard लोग पूजा करते हैं ताकि weather अच्छा रहे और ओले वगैरह ना आए, because hailstorm से जो हमारी फसल वो ख़राब हो जाती है. So उसकी पूजा है. तो मैं आपको दिखाता हूँ, अभी हम सौरपोध वाले रोड में हैं. एंड ये है गाइस सौरपोध वाला रोड. एंड पीछे हमारे थार आ गई अभी और यहाँ पे थोड़ा सामान है अभी, तो उसे हमें ऊपर ले जाना है. हलवा लगाते हैं हम, पूरी लगाते हैं. एंड इसलिए करते हैं ताकि वेदर अच्छा रहे, बारिश आए और ओला ना आए. हाँ जी, व्लॉग बना देते हैं. ये अंकल गोबर उतार रहे हैं, उस्ताद जी. ये दीक्षु भाई उस्ताद जी है. ये जी हॉर्न हॉर्न और क्या है, और भी बताओ दीक्षु भाई. और बाल्टी लाएंगे आप खुद? पकड़ तो मैं जो लूंगा, रुक ले जाएगा दीवार से. और ये दीक्षु भाई ये अपना गोबर उतार रहे हैं. उतारो दीक्षु भाई, कहाँ जा रहे दीक्षु भाई हम आज? बंटिकर. क्यों 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 जा रहे हैं बोलो? ऐसे जो दीक्षु भाई बताते हैं नहीं, ऐसे बोलो हम पूजन करने जा रहे हैं. शुद्ध कर दिया, शुद्ध कर दिया. एंड गाइस ये है ऊपर क्या बोलते हैं, पंटिकर. इसके पीछे स्पेल वैली, उससे परे है खनोला वैली. हाँ, उससे पहले उसके आगे है खनोला मंडलगढ़. चलो. एंड गाइस ये दीक्षु भाई बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल तेल तूल लेके चले हैं. दीक्षु भाई आप तो फिर वो वाले होंगे ना, वैष्णो तो नहीं है ना अब? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं. ये है मांसाहारी बंदे. एंड गाइस जो सीनरी है ना यहाँ से, कितनी बढ़िया सीनरी है देखो. एंड गाइस जो बकरी है वो भी थार में आई है. कितनी अच्छी किस्मत है बकरी की. वो देखो बकरी ऊपर. कैसी है बकरी? भूखी है, बहुत भूखी है. एंड गाइस ड्रॉट बहुत लगा इस बार, मटर भी सूख गए देखो बिल्कुल. बहुत ज्यादा ड्रॉट लगा इस बार. एंड गाइस यहाँ पे बनेगा हलवा, पूरी, भोग. इधर ऊपर है बंटिकर की काली. इधर ऊपर है बंटी करके काली गाइस. एंड गाइस अभी भोग लगा रहे हैं. ये तो ठंडा होगा ना घी. हाय, बन गया है हलवा. एंड गाइस राइट नाउ टाइम इज 12 PM. एंड अभी जो है भोग बन चुका है, पर अभी पूजा नहीं कर सकते हैं बिकॉज ऑफ सम रीजंस. 12 बजे पूजा नहीं होती है, तो थोड़ा 15-1 मिनट वेट करेंगे, उसके बाद पूजन होगा. एंड भोग वगैरह सब बना दिया है, बस अब थोड़ा चावल बनाने रह गए हैं. एंड गाइस जो मैंने अभी सिर पे लगाई ये है पहाड़ी टोपी, इसको बुशहरी टोपी भी बोलते हैं. और इसे मैक्सिमम तब लगाया जाता है जब आप अपने किसी पूजन में होते हैं, तो इसको लगाते हैं. ये कि कंपलसरी है लगाना, बट फिर भी मैं तो हमेशा लगाता हूँ जब भी देवता या कोई पूजन वगैरह का फंक्शन होता है. एंड गाइस लिटरली भी बहुत हाइट में है, बहुत ज़्यादा हाइट है, देख सकते हैं आप. वॉइस भी नहीं आ रही होगी आपको, बहुत ज़्यादा लगा हुआ है. ये नीचे भूत गांव है.
विंड चल रही है, जितना आप हाइट में जाते हैं गाइस उतनी विंड चलती है यहाँ। एंड मिलते हैं अभी, जब भोग भोग खाएंगे तो मिलते हैं गाइस आपको। यहाँ देखो हमारी बकरू, एंड गाइस अब हम जा रहे हैं पूजा करने। ये पूजा इसलिए की जाती है, ये पूजा काली माता को प्रसन्न करने के लिए, मतलब खुश करने के लिए की जाती है, ताकि जो है हेल स्टॉर्म ना आए, बारिश आए, वेदर अच्छा रहे और हमारी फसल अच्छी हो। सो गाइस फाइनली पूजा जो है वो खत्म हो गई है, और पूजा के खत्म होने के बाद जब हम घर जा रहे थे शाम के टाइम, तो बहुत अच्छी बारिश हुई, और इससे पता लगता है कि हमारी पूजा सफल हुई है और सबकी साल फसल अच्छी हो, बस हम यही।